आपको तस्वीर दिखा देते हैं। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, वो इस वक्त एक वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना करने पहुंचे हैं। वहां पर क्या हालात हैं, किस तरीके से मरीजों को वैक्सीन मिल पा रही है नहीं, इन तमाम पहलुओं पर निरीक्षण करने के लिए इस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों से बातचीत करते हुए साफ तौर पर यहां देखे जा सकते हैं। और खास तौर पर ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो अब 18 से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए शुरू किया गया है, इसमें लगातार मांग यही की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मुहैया हो सके, उसके लिए केंद्र को राज्य सरकारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। डिप्टी सीएम का यहां पर पहुंचना दरअसल लोगों के बीच एक उम्मीद की किरण भी जगाना है कि हाँ, दिल्ली सरकार उनके साथ है, वैक्सीन घर घर पहुंचे, हर शख्स को लग सके, यही दिल्ली सरकार की मुहिम है, उनका प्रयास है और ऐसा करने में वो तत्पर हैं। इसी को लेकर आज मनीष सिसोदिया एक वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना करने पहुंचे। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता मुंबई से इस वक्त जुड़ गए हैं, अनीशा माथुर हमारी संवाददाता दिल्ली से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले अनीशा, आपका रुख करते हुए, तस्वीर हम देख पा रहे हैं मनीष सिसोदिया की, वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा करने वो पहुंचे हैं, और भी इस तरीके का कार्यक्रम उनका आज का कोई जहां पर वो वैक्सीनेशन सेंटर अलग अलग जगहों पर जाकर ये देख सके कि दरअसल वैक्सीन उपलब्ध भी है या नहीं? अनीशा को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन इस बीच दिल्ली का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सुशांत हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या इस वक्त ताजा स्थिति है? वैक्सीनेशन सेंटर पर मनीष सिसोदिया तो पहुंच गए, लेकिन क्या वैक्सीन वाकई अवेलेबल भी है? क्योंकि कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि रजिस्टर होने के बावजूद, ओटीपी नंबर मिलने के बावजूद वैक्सीन नहीं है। देखिए नेहा, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सुबह की वक्त है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोरोना के जो हालात है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और ऐसे में लोगों के बीच में एक डर है। यही डर की वजह है कि सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। ये बुराड़ी का स्कूल है जहां पर आप देखेंगे स्कूल के अंदर से लेकर के बाहर तक आपको लंबी लंबी कतारें जो है वो नजर आएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग, दो गज की दूरी का पालन करने की लगातार बात सरकार की तरफ से की जा रही थी कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जल्दबाजी ना करें, ना पहुंचे, जिनका रजिस्ट्रेशन है सिर्फ वही पहुंचे। तमाम जो ये लोग खड़े हैं इनके पास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन बावजूद इसके लंबी लंबी कतारें जो है वो फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके अलावा तस्वीरें आप आगे तक देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो फिलहाल सुबह के वक्त का प्रोग्राम शुरू हुआ है। और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं, तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों, और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी, हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं, और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पॉन्स है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है, और सभी के सभी टर्नआउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं। अभी तक किसी भी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं आया हो या किसी सेंटर पर कम प्रेजेंस हो, तो ऐसा लग रहा है कि ये 100% टर्नआउट लोगों का रहेगा। युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मैंने लोगों से भी मिला जाके, उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं। अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। पर मुझे खुशी है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगने लगेगी तो लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन का 4.5 लाख आपने बताया है आंकड़ा, कि कब तक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार आप लोग संपर्क में हैं? नहीं, हम लगातार कंपनियों के संपर्क में हैं, और वो जैसे क्योंकि परसों उन्होंने 4.5 लाख दी है, धीरे धीरे और भी दे देंगे। क्या हालात के मद्देनजर आर्मी की मदद मांगी है दिल्ली सरकार ने? हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है,
तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है, DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है, ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। मनीष जी, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है दिल्ली में, क्योंकि बीते समय में कितना मिल जा रहा है कोटे का, क्या मिल रहा है? कल, अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन